उस वेले मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा मौजू इल्म ख्वाब के वाले से है, कुत्ते को ख्वाब में देखना। कुत्ते का नाम आते ही बाज़ लोग नफ़रत का इजहार करना शुरू कर देते हैं और बाज़ लोग मोहब्बत का। हालांकि एक बेज़बान जानवर होने के नाते उससे किसी भी किस्म का बुरा बर्ताव और जुल्म गलत है और इंसानियत के तकाज़ों के भी खिलाफ है। बहरहाल इल्मुल ख्वाब के वाले से भी यही अमर सामने आता है कि अमूमन लोग कुत्ते को ख्वाब में देखने से मनफी तासर लेते हैं और हकीकत में इस ख्वाब की तबीयत क्या हुई जिसमें कुत्ते को देखा गया उसको पशेपुस्त डाल देते हैं। किसी भी ख्वाब की तबीयत के लिए उस ख्वाब को मुकम्मल तौर पर समझना बहुत ज़रूरी होता है। ख्वाब देखने का वक़्त क्या है, किस हालत में देखा है, किसने देखा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कैफियतें ख्वाब की तबीयत के बयान में बहुत ज़रूरी होती हैं। बहरहाल हम आपके लिए ख्वाब में कुत्ते को देखने की मुख्तलिफ सूरत हाल और उस की तबीयत के बारे में गुफ्तगू करते हैं। कुत्ता आपके पीछे आ रहा है। ख्वाब में जब आप देखते हैं कि कुत्ता आपके पीछे पीछे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोच और तर्ज ज़िंदगी आपका असल दुश्मन है, ज़िंदगी के मसाइल और हकीकत से जान छुड़ा रहे हैं और ज़िंदगी में जो हर तरफ मसाइल हैं और जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं आप इनको अदा करने से चोर दरवाजे से बच निकलना चाह रहे हैं या कोई ऐसा ही उसका हल निकालना चाह रहे हैं। ये ख्वाब इस चीज़ की अलामत है कि अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा न किया और ये काहली और सुस्ती अपने अंदर से दूर ना की तो आपके मसाइल में इजाफा होगा और किसी भी सूरत आप ज़हनी दबाव, टेंशन और मसाइल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सो पहली फुर्सत में पेश आमदा मामलात को देखें और तमाम मसाइल को अमली तौर पर हल करने की कोशिश करें। अब अगले ख्वाब की तरफ आते हैं, कुत्ता ख्वाब में भौंके। ये ख्वाब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन लिए हुए है और इस बात की अलामत है कि ख्वाब देखने वाले फ़र्द की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्हें वो आम लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता। बहुत मुमकिन है कि उसे अपने अखलाकी जो उसका मियार बना हुआ है माशरे के अंदर, जो उसका नाम या इज्जत और वक़ार है, उसको ठेस पहुँचने का खदशा हो, जिसकी वजह से उन मामलात को लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन इस ख्वाब का मतलब ये है कि लोग कम अज़ कम ये ज़रूर जान गए हैं कि दाल में कुछ काला है। सो फर्द को अगर अपनी इज्जत बहुत प्यारी है तो उसे अपने तर्ज अमल और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लानी चाहिए, इन्हें बेहतर करना चाहिए और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। बसूरत दीगर अभी अगर लोग दाल में कुछ काला काला देख रहे हैं तो दाल पूरी की पूरी उनके सामने आ भी जाएगी। ख्वाब में कोई देखता है कि कोई कुत्ता उसकी रहनमाई कर रहा है और साहिब ख्वाब इसके पीछे पीछे चल रहा है तो ये एक ख्वाब ऐसा है जिसके मसरूद होने का इशारा दिया जा सकता है। गो ये ज़िंदगी के मसाइल और परेशानियों को जाहिर कर रहा है जो अभी आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ख्वाब ये भी बता रहा है कि इन मसाइल और परेशानियों के हल में आपको किसी दूसरे की रहनमाई भी हासिल होगी और जो मामलात हल तलब होंगे इसमें मुआवनत बिल ज़रूर आपको मिलेगी और दूसरे की मदद से आपको इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। ख्वाब में मरे हुए कुत्ते को देखना और इसके साथ अफसरदा होना। अगर तो आप मरे हुए कुत्ते को देखकर अफसरदा हैं तो इस बात की वाज़ह अलामत है कि आपके किसी तल्लक रिश्ते दोस्ती वगैरह में कोई दरार आएगी और उसके खात्मे की तरफ ये ख्वाब इशारा कर रहा है। सो लोगों के साथ अपने रवैये, तर्ज अमल और तल्लकात में मुताहत रहें। बसूरत दीगर तनाव और खात्मा हो सकता है आपके तल्लकात का उन लोगों के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब पर अपने रहमत बख्शिश और फजल नाज़िल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ।